हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी की क्लास है और क्लास जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। और आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें जाति प्रणाली परिस्थिति प्रदान, जाति प्रणाली परिस्थिति पर आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस दृष्टि से सही है? इसने ब्राह्मणों को एक परिस्थिति प्रदान की, ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिए गए थे, समाज को पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़े था, लोगों को सामाजिक उच्चता क्रम पर विश्वास करने के लिए बाध्य किया गया। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट, इसने ब्राह्मणों को एक परिस्थिति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भूमिका प्रधान थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसने शूद्र को सामान्य भूमिका प्रदान की, समाज को भूमिका समूहों में बांटा गया, हर समूह की भूमिका निश्चित कर दी गई, व्यक्ति की भूमिका उसकी योग्यता पर निर्भर थी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड, समाज को भूमिका समूहों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिका किसी समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? किम्बॉल, यंग, डेविस, लुंडबर्ग, गिन्सबर्ग। राइट आंसर बताइए। सामाजिक भूमिका किसी समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है, ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, लुंडबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति एक पद होता है जबकि भूमिका उस पद को पूरित करने का प्रत्याशित ढंग है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? गिन्सबर्ग, किम्बॉल, यंग, मैकाइवर एवं पेज, ऑगबन एवं नीमकॉफ। राइट आंसर बताइए। परिस्थिति एक पद होता है जबकि भूमिका उस पद को पूरित करने का प्रत्याशित ढंग है, ये परिभाषा दी है गिन्सबर्ग ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका वह ढंग है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने पद के दायित्व को पूरा करता है, ये परिभाषा किसने दी है? किंग्सले डेविस, लुंडबर्ग, लेपियर, मैकाइवे। भूमिका वह ढंग है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने पद के दायित्व को पूरा करता है, ये परिभाषा दी है किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति जो कार्य करता है अथवा करवाता है उसे हम भूमिका कहते हैं, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? गिन्सबर्ग, लेपियर, किम्बॉल, यंग, ऑगबन एवं नीमकॉफ। व्यक्ति जो कार्य करता है अथवा करवाता है उसी को हम भूमिका कहते हैं, ये परिभाषा है किम्बॉल यंग की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी स्टेटस परिस्थिति को प्रदान करती है, निम्न में से किस पदवी के साथ उच्चतर परिस्थिति संबंधित है? डिप्टी कमिश्नर जिसने अपने कार्यकाल में गैर कानूनी साधनों से धन कमाया,
और पान बीड़ी वाला जो अपने पड़ोसी दुकानदारों की तुलना में ज़्यादा आयकर देता है। अच्छी वेशभूषा से युक्त व्यक्ति, प्रख्यात विद्वता से युक्त एक अध्यापक। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कभी कभी पदवी प्रिय स्थिति को प्रदान करती है। निम्न में से किस पदवी के साथ उच्चतर प्रिय स्थिति संबंधित है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, प्रख्यात विद्वता से युक्त एक अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिष्ठा का आनंद प्राप्त करता है? एक धनी व्यापारी, प्राइवेट डॉक्टरी करने वाला डॉक्टर, एक दलाल, एक सामाजिक कार्यकर्ता। राइट आंसर बताइए। कौन प्रतिष्ठा का आनंद लेता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, एक सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रिय स्थिति को इंगित नहीं करता है? भारत रत्न, मजदूर, शूरवीर की पदवी, पंडित, उपसर्ग का प्रयोग। कौन इसमें प्रिय स्थिति को इंगित नहीं करता? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको सम्मान प्राप्त नहीं होता है? एक सफल दंत चिकित्सक, एक लोकप्रिय पुलिस अधिकारी, एक बड़ा अधिकारी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी। राइट आंसर बताइए। किसको सम्मान प्राप्त नहीं होता है? एक बड़ा अधिकारी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया हो। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने समय समय पर अनेक पदों पर काम किया, निम्न में से कौन सा पद उसके लिए सम्मानजनक था? वह विधिवेत्ता के नाते बहुत सफल था, वह संसद का एक सम्मानित सदस्य था, वह मंत्री रहा परंतु उसे त्याग पत्र देना पड़ा, एक कानूनी संस्था के मुखिया के नाते। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 3, वह मंत्री रहा परंतु उसे त्याग पत्र देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक भूमिका में क्या नहीं है? पुरोहित के द्वारा धार्मिक क्रियाकलाप करना, एक राजनीतिज्ञ के द्वारा हिंसा का उपदेश देना, एक विधिवेत्ता द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, पर्दे पर एक चरित्र अभिनेता द्वारा हिंसा के कार्य में भाग लेना। कौन एक सामाजिक भूमिका नहीं है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, एक राजनीतिज्ञ के द्वारा हिंसा का उपदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक भूमिका के अंतर्गत नहीं आता? कार्य क्षेत्र में एक कार्यकर्ता, डाका डालने वाला एक व्यक्ति, डाकू का पीछा करता हुआ पुलिस कांस्टेबल, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सामाजिक भूमिका के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2, डाका डालने वाला एक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रिय स्थिति भूमिका
ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई है। किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसे परिस्थिति कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति को अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में किसने विभाजित किया? मर्टन, लिंटन, लेवी, जॉनसन। अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में लिंटन ने बांटा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है? लिंग, आयु, प्रजाति, ये सभी प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? प्रौढ़, राजकुमार, युवा, विवाहित। कौन एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, विवाहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख किसने किया? मर्टन, बेरिस्टी, बोगार्डस, डेविस। भूमिका प्रतिमान। भूमिका प्रतिमान की अवधारणा रॉबर्ट के मर्टन ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख किसने किया? डेहरनडॉर्फ, कोजर, मर्टन, डेविस। परिस्थिति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख किसने किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा का उल्लेख किसने किया? मर्टन, बोगार्डस, कूले, जिसबर्ट। परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा मर्टन ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑफिस और स्तर की अवधारणा का उल्लेख किया? किंग्सले डेविस, मर्टन, कोजर, फिशर। राइट आंसर बताइए। किसने ऑफिस तथा स्तर की अवधारणा का उल्लेख किया है? किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वाह को कहते हैं परिस्थिति एवं भूमिका का संतुलन, परिस्थिति संतुलन, भूमिका संघर्ष। परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वाह को कहते हैं ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, परिस्थिति एवं भूमिका का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? परिस्थिति एवं भूमिका सदैव बदलते रहते हैं, परिस्थिति एवं भूमिका स्थिर रहते हैं, परिस्थिति एवं भूमिका सदैव संघर्ष में रहते हैं, परिस्थिति एवं भूमिका ना स्थिर रहते हैं और ना बदलते हैं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट, परिस्थितियों भूमिका सदैव बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वाह को कहा जाता है, ये क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समूह अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल्य है, यह कथन किसका है? परिस्थिति समूह अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल्य है, यह कथन किसका है? मर्टन का, शेकार्ड एवं बकमैन का, हिलर का, बिस्टरमार्क का। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर क्या होगा? ये परिभाषा है शेकार्ड एवं बकमैन की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। परिस्थिति समूह अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति की ख्याति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वार्नर ने, मैक्स वेबर ने, डेविस ने, रॉबर्ट माइकल ने। परिस्थिति की ख्याति का सिद्धांत, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है वार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? कौशल, आयु, लिंग, प्रजाति। कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? कौशल, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में व्यक्ति एक समय में केवल एक ही परिस्थिति प्राप्त करता है, दो परिस्थिति प्राप्त करता है, अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। समाज में एक व्यक्ति एक समय में केवल, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया परिस्थितियों की समग्रता को क्या कहा जाता है? परिस्थिति संतुलन, परिस्थिति विन्यास, परिस्थिति संकुल, परिस्थिति पूर्णता। परिस्थितियों की समग्रता को क्या कहा जाता है? परिस्थिति संकुल, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिस्थिति की प्रतिष्ठा होती है, अलग अलग एक समान मूल्य है। प्रत्येक परिस्थिति की प्रतिष्ठा होती है, अलग अलग होती है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यह कथन किसका है? गिलिन और गिलिन का, पार्क एवं बर्गेस का, बेर स्टेट का, डॉक्टर मुखर्जी के। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये कथन है बेर स्टेट का, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था होती है पूर्णतया प्राकृतिक, पूर्णतया मनुष्यकृत, दोनों का मिश्रित रूप, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिक व्यवस्था होती है दोनों का मिश्रित रूप, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न विभिन्न उच्च एवं निम्न परिस्थितियों की संपूर्णता को कहा जाता है? श्रेणी, स्तर, सम्मान, अवसर। विभिन्न उच्च एवं निम्न परिस्थितियों की संपूर्णता को कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का कौन सा आधार नहीं है? स्मगलिंग, शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का आधार नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है स्मगलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे परिस्थितियां जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है उन्हें कहते हैं? प्रदत्त परिस्थितियां, अर्जित परिस्थितियां, मुख्य परिस्थितियां, परंपरागत परिस्थिति। राइट आंसर बताइए। वे परिस्थितियां जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अर्जित परिस्थितियां। उस आधार का चयन कीजिए जो अर्जित स्थिति पर लागू नहीं होता, संपत्ति, विवाह, नातेदारी, उपलब्धियां। तो संपत्ति, विवाह, उपलब्धियां, ये तीनों अर्जित में आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा अर्जित स्थिति में लागू नहीं होता है, तो नातेदारी,
ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।